किसानदार साहब तशरीफ लाए, मैं उनको वोट दे दूं। किसानदार साहब तशरीफ लाए, आपको वोट दूं। किसानदार साहब तशरीफ लाए वोट के लिए। डॉक्टर शहजाद साहब, मेरी गुजारिश है अपने लोगों को, प्लीज बिठाएं अपने निशस्तों पे, प्लीज अपने निशस्तों पे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं सेनेट बिल्डिंग में इस टाइम मौजूद हूं और आज जो है इसहाक डार साहब की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई है। बतौर सेनेटर उन्होंने अपना हल्फ उठाया है। कुछ देर कबल जो है चेयरमैन सादिक संजरानी ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया है। इसहाक डार साहब के रंग उड़े हुए थे जब वो हल्फ ले रहे थे। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर अराकीन है उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है और उनके डाइस के आगे आ गए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से घिराव करने की कोशिश की गई और किस तरह से नारेबाजी की गई। और इसहाक डार उस टाइम जो है परेशान दिखाई दिए, उनके रंग उड़े हुए थे। इस मुल्क की बदकिस्मती है नाजरीन के एक शख्स जो है वो यहाँ से भाग कर जो है वो चला जाता है। सेनेटर बनते साथ ही 4.5 साल बाहर रहता है, वज़ीर आज़म के जहाज़ में जाता है, शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में, और वापस भी एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में आता है और वो हैं शहबाज शरीफ साहब। और तकरीबन 4.5 साल बाद निज़ाम पर जो है आप कह सकते हैं निज़ाम का मजाक उड़ाकर, निज़ाम को आप कह सकते हैं मफलूज बनाकर ये शख्स जो है बाहर गया, बाहर मज़े करता रहा, नवाज़ शरीफ के साथ लंदन फ्लैट्स में रहता रहा और उसके बाद अब ये हमारा वज़ीर ख़जाना लगने लगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती बात कि ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक शख्स जो कि 4 साल में अदालतों को भी जो है मतलूब हो, एक शख्स जिसको एब्सकॉन्डर करार दिया गया हो, जिसके इनकम से ज़ायद असासे हों, जिसके 91% नाज़रीन इसहाक डार साहब के असासे बढ़े थे और इनकम से ज़ायद असासों का केस था, पनामा केस में बाकायदा इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का कहा गया था। मैं तो कहता हूँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने तो फिर जेल काटी है, लेकिन इसहाक डार साहब ने तो वो भी नहीं काटी। इस निज़ाम के इतने बेनिफिशरी हैं वो, और उसके बाद अब वो दोबारा आके वजारत ख़जाना जो है संभाल रहे हैं। आज जब उन जैसे ही वो सेनेट में दाखिल हुए तो PTI अराकीन ने चोर चोर की नारेबाजी शुरू कर दी। PTI अराकीन की जानब से ख़वातीन थीं जो आगे आगे थीं, और सेनेटर्स फैसल जावेद, वसीम शहजाद, शिबली फराज, ये तमाम सेनेटर्स मौजूद थे और इन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आज़म नज़ीर ताड़न ने सबसे पहले गुफ्तगू की सेनेट में और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब वापस आ गए और इसहाक डार साहब जो है अब मईशत को संभाल लेंगे, जो हिचकोले घाती मईशत है उसका ये बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन उसी के जवाब में वसीम शहजाद साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है बाहर भाग गया हो, एक वज़ीर आज़म के त्यारे में भाग गया हो और उसको भी एक वज़ीर आज़म के त्यारे में लाया जाए, पाकिस्तान जो एयरफोर्स है उसके त्यारे में वो वापस आए, बकायदा प्रोटोकॉल के साथ आए और वो शख्स अदालतों को मतलूब है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो है पेश नहीं हुए। आपको पता है जो इसहाक डार की पेशी थी उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब एब्सेंट थे, इस वजह से वो पेश नहीं हो सके। लेकिन ये NRO 2 है आज नाज़रीन, जिस तरह से ये वापस आए हैं, जिस तरह से इन्होंने सेनेटर के ओहदे का हल्फ उठाया, ये अवाम की, ये निज़ाम की तौहीन है कि एक शख्स जो कि बाहर बैठा रहा और उसके बाद वापस आके वो जो है निज़ाम पे हंसे और अपने ओहदे का हल्फ उठाए और बतौर वज़ीर ख़जाना जो है वो हमारे सामने हमारी मुल्की मईशत को चलाए, तो ये किसी तौर भी काबिले कबूल नहीं है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसहाक डार से सवाल भी किया है और सवालात बड़े सख्त किए हैं कि आप अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि डॉलर को नीचे लाया जाए और मुल्की मईशत को ऊपर उठाया जाए। और तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कहा है कि ये जो ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं है कि हम इनको अपना वज़ीर ख़जाना माने, इसी वजह से आज स्टेज पे प्रोटेस्ट किया गया, स्पीकर डाइस का घिराव किया गया, सार्जेंट आ गए, उन्होंने बच बचाव कराया तमाम मामले में। लेकिन आपको यहाँ पे एक दो खबरें और देते चलें और वो ये खबरें हैं कि
जो मुस्लिम लीग नून है और बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि साग दार के आते ही जो हैं वो डॉलर जी देखें 5 रुपए स्टेबल हो गया। और इसके साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि इसहाक डार के आते ही वो अब जो है 15 रुपए पेट्रोल कम कर देंगे। तो इसकी हकीकत क्या है, मैं ये भी आपको बता दूं, ये दोनों चीज़ें हैं। वो ये लिंक कर रहे हैं कि ये इसहाक डार साहब के आते ही जो है ये कमाल हो गया, इसहाक डार साहब जो है वो इस तमाम मामले में जी मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुए। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं एक आई वॉश है, आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग बताता हूँ, $87 फी बैरल पे है, और इससे कबल जब मिफ्ता साहब थे ये 105 रुपए 126 तक भी गया, $126 फी बैरल था। तो अब जब तारीख की लोएस्ट तरीन सतह पर आया है तो हुकूमत ये से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कीमतें करेगी। और अब हुकूमत ने बेहतरीन मौका जाना कि जी अब तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी कम सतह पे हम रिलीफ भी दे सकते हैं और साथ हमारी इसहाक डार साहब की प्रमोशन भी हो जाएगी कि देखो जी एक ऐसा वजीर ख़जाना आया है बाहर से जो अब मुल्क की मईशत को संभाल लेगा। तो नाज़रीन ये जो है ये एक आई वॉश है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिंग जो है वो लोएस्ट अपनी सतह पर है। तो वो किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर 15 रुपये कम करने की बात की जा रही है तो इसमें इसहाक डार साहब का कोई कमाल नहीं है। दूसरी बात, डॉलर जी 3-4 रुपए जी मुझसे कम हो गया, इसकी वजह यह है कि इससे कबल देखें डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो मार्केट में और अनसर्टेनिटी उसकी मार्केट की अनसर्टेनिटी से बड़ा लिंक है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। इससे पहले मार्केट में खबरें थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब मार्केट में ये खबरें हों मिफ्ता इस्माइल साहब रिज़ाइन कर रहे हैं या आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आपका वजीर ख़जाना जा रहा है, तो डॉलर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट कर रहा है। अब जब उसके बाद खबर आई है कि इसहाक डार साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी आती है उसमें कि यार वजीर ख़जाना दोबारा वापस आ रहा है और मुल्क को इन्वेस्टर्स कर जो है वो उन पर एतमाद बढ़ेगा, ये जो है मुस्लिम लीग नून कह रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑलरेडी आपने अनाउंस कर दिया कि दूसरा वजीर ख़जाना आ रहा है तो ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आती है, इसमें आप लोगों का क्या कमाल है। ये तो मार्केट में आपने पहले अफवाह फैलाई कि जी वजीर ख़जाना जा रहा है, डॉलर रेट फ्लक्चुएट हुआ, डॉलर ऊपर चला गया, फिर मार्केट में आप वही एक नया वजीर ख़जाना ले आए कि ये देखें ये आ गया और ये मुस्तकिल बुनियादों पे रहेगा, मार्केट में डॉलर का रेट जो है स्टेबल हो गया। इसहाक डार साहब कोई जादू की छड़ी तो लाए नहीं है कि वो, और साथ ना ही उनके जो दुबई में टावर्स हैं वहाँ से डॉलर्स लाए हैं कि वो डॉलर्स को सस्ता कर दें। तो ये आई वॉश है, हमें धोखा दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि जी एक बंदे की प्रमोशन इस तरह की जा रही है कि 4 साल वो मुल्क से बाहर रहा है, अब आके वो मईशत को संभाल लेगा और वो बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ बेहतरीन कर देगा, जादू का चिराग है उसके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। यही इसहाक डार हैं, हम इन्हीं की पॉलिसीज़ को जो है वो कर रहे होंगे, आप देखेंगे क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे। और जो इकॉनमी का बहाल हो गया इसहाक डार साहब, क्या कोई भी आज है वो संभलने वाला नहीं है कि जिस मुल्क में इतनी इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इतनी ज़्यादा इकॉनमी जो है ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हो, तो इसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि ये संभालने वाला है इसहाक डार साहब, या क्या कोई भी आ जाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बहरहाल ये अपडेट्स थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, हमने सोचा आप तक शेयर कर दें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टाइमली अपडेट्स आपको देते रहेंगे।